नमस्कार, आप देख रहे हैं GBN 24। मैं हूं आपके साथ अपराजिता। चले नजर डालते हैं झारखंड की एक खबर पर। रोटरी क्लब ऑफ स्टील सिटी आगामी 20 और 21 अप्रैल को अपने प्रमुख कार्यक्रम रोटरी यूथ लीडरशिप अवार्ड्स यानी रायला उड़ान 24 का आयोजन करने जा रहा है। कार्यक्रम का आयोजन नेताजी सुभाष यूनिवर्सिटी रोट्रैक्ट क्लब के सोशल क्रू के सहयोग से आयोजित होगा। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रोटरी डिस्ट्रिक्ट गवर्नर शिव प्रकाश बागरिया होंगे। इस कार्यक्रम में जमशेदपुर और बाहर के विभिन्न क्षेत्रों के प्रतिष्ठित वक्ता अपनी अंतर्दृष्टि और अनुभव साझा करेंगे। ऐसे में यह कार्यक्रम काफी प्रेरणादायक साबित होने जा रहा है। रोटरी क्लब के अध्यक्ष अमृता बखारिया ने कहा कि एक गहन नेतृत्व अनुभव वाले रायला को नेतृत्व कौशल विकसित करने, विकास को बढ़ावा देने और प्रतिभागियों के बीच आजीवन जुड़ाव को प्रोत्साहित करने के लिए डिजाइन किया गया है। रायला युवाओं को फ्यूचर लीडर के तौर पर सशक्त बनाता है, जो विविधता का जश्न मनाते हैं और स्थायी परिवर्तन लाने के साथ ही सेवा प्रेरित वैश्विक नागरिक बनते हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि कार्यक्रम में उपस्थित स्कूली छात्रों को आगामी DG अनु नारंग, अक्षय अग्रवाल की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डॉक्टर श्रीकांत नायर जैसे लोगों से रूबरू होने का मौका मिलेगा। ये वक्ता नेतृत्व, सामुदायिक सेवा और व्यावसायिक विकास पर मूल्यवान दृष्टिकोण प्रदान करेंगे। इसके अलावा रोटरी जिला 3250 में फिर से शुरू होने वाले रोटरी यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम पर भी प्रकाश डाला जाएगा। क्लब की सचिव प्रीति खारा ने बताया कि यह 2 दिवसीय कार्यक्रम आगामी 20 और 21 अप्रैल को मोतीलाल नेहरू पब्लिक स्कूल में आयोजित किया जाएगा। इस दौरान प्रतिभागियों के लिए रैम वॉक, क्विज टाइम, नुक्कड़ नाटक, टैलेंट हंट, मिस्टर और मिस रायला जैसी प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी। कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण रविवार की सुबह आयोजित होने वाली 3.5 किलोमीटर की रायला नेशनल रन ए थॉन फॉर होप है। टाटा स्टील एडवेंचर फाउंडेशन भी इसमें सहयोगी की भूमिका निभा रहा है। इस आयोजन का मकसद मानसिक स्वास्थ्य कल्याण, फिटनेस, सामुदायिक जुड़ाव और व्यक्तिगत उपलब्धि को बढ़ाना है। डिस्ट्रिक्ट रायला के आयोजन में रोटरी अध्यक्ष अमृता वखारिया, सचिव प्रीति खरा, DRRRC सिमरन सागू, दीपक डोकनिया, RYLA अध्यक्ष अमित कृष्णा खारिया, गौरव रुंगटा, रोट्रैक्ट सोशल क्रू के अध्यक्ष फहद और सचिव सहनवाज ताशीन की अहम भूमिका है। नमस्कार सबको, ये हम लोग रायला करने जा रहे हैं रोटरी यूथ लीडरशिप प्रोग्राम 20 और 21 अप्रैल को मोतीलाल पब्लिक नेहरू स्कूल के ऑडिटोरियम में, जिसकी कैपेसिटी है 400+। तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं हमारे 450 तक रजिस्ट्रेशन होंगे और ये पहली बार झारखंड में स्कूल के बच्चे और कॉलेज के बच्चे एक साथ मिलकर हम लोग इस प्लेटफॉर्म में इकट्ठे होंगे और उनको बहुत अच्छा एक 2 दिन का फन फिल्ड डे देंगे। अब इस फन फिल्ड डे में इंक्लूड करता है स्पीकर्स, जो हमारे हम लोग बाहर से भी बुला रहे हैं, जमशेदपुर के बाहर से अच्छे अच्छे स्पीकर्स हैं जिनको बच्चे सुन के बच्चे कुछ सीखेंगे। फिर हमारे बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स हैं, फिर टैलेंट हंट है, क्विज है, जिसको बच्चे कुछ सीखते हैं जो कि अदरवाइज स्कूल्स में पॉसिबल नहीं है। कोई एक स्कूल अपने बच्चों को कहीं दूसरे स्कूल में नहीं भेजेगा, कभी नहीं भेजेगा, बट ये रायला ही एक प्लेटफॉर्म है जिसमें 25 स्कूल्स आके एक जगह इकट्ठे हों। सो दिस इज द ये रायला की खूबी है। तो ये हम लोग कोई कोई क्लब अपने छोटे लेवल पे करता है, पर हम इस बार इस साल के वी आर डूइंग द बिगेस्ट रायला जो 450 बच्चों के साथ है और नेक्स्ट डे इसकी एक स्पेशल अट्रैक्शन है जो इन्होंने बताया। इस रैला में सिर्फ जमशेदपुर के बच्चे हैं, स्कूल नहीं, बाहर से भी आ रहे हैं, हमारे रांची से रजिस्ट्रेशन हुए हैं, कुछ पटना से हुए हैं तो आ रहे हैं। कुल कितने स्कूल से बच्चे आ रहे हैं? अभी 15 रजिस्ट्रेशन हुए, अभी 5 दिन हुए हैं, 5 दिन और हैं, हम 25 एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो अभी के लिए इस खबर में बस इतना ही। ऐसी झारखंड से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे GBN 24।